से आए हैं, इंदर देव हैं, 23 साल की इस टाइम इनकी उम्र है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप, कौन से प्रदेश से बिलोंग करते हो? दिल्ली? दिल्ली में पैदा हुए थे आप? नहीं, दिल्ली में तो नहीं हुए थे, कहाँ पे? यूपी में। आपके माता पिता कहाँ हैं? यूपी में? अच्छा, ये है, और ये एक फैक्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहे हो, है? रोजरी की फैक्ट्री है मंगोलपुरी के अंदर, ठीक है। और इनके जो एक भाई हैं, छोटे भाई धर्म, वो कितने साल के हैं? 20 साल। 20 साल का। उसको उसका जो है किडनी दोनों खराब हो गई है ना? किडनी दोनों खराब हो गई हैं, और अभी डायलिसिस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी है। डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, और बहुत ही गरीबी की हालत में है ये। और दो बातें हम इनसे जानेंगे, एक तो ये जानेंगे कि ये कितने घंटे काम करते हैं और इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, और दूसरा ये भी जानेंगे कि ESI नाम की जो चीज़ है वो इनको मालूम है या नहीं है। तो हमें इंद्रदेव ये बताओ पहले तो कि आप कितने घंटे काम करते हो नॉर्मली? नॉर्मली तो मैं 12 घंटा हमेशा काम 12 घंटे करता फैक्ट्री में हूँ। काम हाँ, करते हो, बारह तो घंटे 12 फैक्ट्री, और 12 घंटे क्या होता है, आपको खड़ा होना पड़ता है लगातार खड़े रहते हो, लगातार, है? बैठने कोई वो नहीं होती, खाली 1 घंटा लंच मिलता है 1 बजे से 2 बजे तक। उस 12 घंटे के बीच में, हाँ, और 12 घंटे काम करने के बाद आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 12 हजार मिल जाती है। 12 हजार? तो जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं वहां पे अरे लगभग? वहाँ मान के चलो 12-13 लोग बारह होंगे। तेरह लोग काम करते हैं, तो जितने भी लोग हैं सबको खड़े होकर काम करना पड़ता सबको है, करना पड़ता है और काम। सबको 12 घंटे के जो है, हाँ, और अगर 8 घंटे काम करो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 8 घंटे को वही मिलेंगे, 8-9 हजार। 8-9 हज़ार रुपए मिलेंगे अगर 8 घंटे करोगे हाँ, तो, और कभी कभी इससे भी ज्यादा काम घंटे कर करते हो काम, हाँ करना पड़ता जैसे है। कितने घंटे कभी काम किया जैसे आपने? 15 घंटा हो जाता है मेरा, 3 घंटा 15 घंटे और ज्यादा कर देते हैं, लंच भी नहीं किस करते क्यों काम हैं। करते हो इतना? गरीबी ऐसा करना पड़ता है यहाँ मतलब रहने के लिए। गरीबी के लिए घर में भी पैसा भेजते हो? घर में भेजना कितना पड़ता भेजते है, हो? वैसे घर में ज्यादा खर्चा तो नहीं, मम्मी पापा हैं, हाँ, उनके आने के लिए 3-4 हजार भेज तीन देते चार हजार हैं। रुपये महीना वहां हाँ, भेज देते हो, भेज है? देते अच्छा, अभी आपका जो भाई है ये बीमार है, हैं। ठीक है, किडनी खराब है, हाँ जी, तो दिक्कत हो रही है इसके इलाज के अंदर आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत हो क्या रही है। दिक्कत हो रही है? चल, अब मैं इसको लेके चला जाता हूँ इलाज कराने, तो हाँ फैक्ट्री में कोई जाएगा नहीं, और जब हाँ जाएंगे नहीं तो हमारे पैसा बनेगा नहीं, इस ये भी दिक्कत हो रही है मेरे को। मैं अकेला उसका भाई हूँ और जब मेरे, हॉस्पिटल में जाते हो आप एक बार, तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं आपके कम से कम 6 हजार रुपये एक बार ले जाने एक में बार ले उसको, जाता है ना? हूँ। दवा ववा सब लिख के देते हैं, सब कुछ खरीदने के 6 हजार हो जाते हैं टोटल। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ तो 13-14 आदमी काम करते हैं, तो जो ESIC समझते हो क्या चीज होती है? ये तो कभी सर मेरे फादर इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुए नहीं, ये हैं। 5 साल में कभी वर्करों में आपस में चर्चा हुई हो कि भाई ESI लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं हुई सर, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं हुई आज दिन तक। मतलब किसी को भी पता नहीं, आपको पिछले हाँ, 5 साल के अंदर ये नहीं पता कि अगर 10 लोगों से ज्यादा काम करते हैं तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एम्प्लॉय ESI लगती होती तो आज इसको तुम्हारे भाई को किसी भी अस्पताल के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता था। ये पैसे जो आपको 6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते हैं, आप भी कल बीमार हो जाओ या कोई बीमार हो जाए तो तो ESI में पूरा फ्री ट्रीटमेंट होता है, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हो आप, ये किसी को मालूम नहीं है वहां। तो आप बस्ती में रहते हो, बस्ती में भी कभी ESI के बारे में किसी ने बात नहीं ये करी? सब के बाद कहाँ रहते हो आप? मैं तो वहीं रहता हूँ, थोड़ी दूर पे रहता कहाँ हूँ, पे? मंगोलपुरी मंगोलपुरी में। में ही रहते आई हो? ब्लॉक में फैक्ट्री है, एल हाँ, ब्लॉक में रहता हूँ। तो कभी कभी वर्करों के साथ बैठते भी होगे ना, बैठ के बातचीत भी करते होगे? हाँ, खाना लेके जाए, खाए, दोपहर में सो गए, आधा फिर घंटा आराम कर लिए, उसके बाद उठे सीधा मशीन चला दिए। मतलब टाइम नहीं है कि बात करें एक दूसरे से इतना ज़्यादा। जैसे संडे को सुबह किस वक्त छुट्टी, उठते हो आप? सुबह मैं उठता हूँ 6 बजे, फिर क्या करते हो? खाना बनाता हूँ, ओके, उसके बाद रख दिया खाना वाना बन रहा है, नहा लिए, नहा लिए, नहा हुआ के खाना पीना खाते हैं, मेरा बच जाता है 8-9, फिर हाँ, उसके बाद अपना लंच लिए चले गए फिर वापस कब आते हो शाम को, और फिर क्या करते हो? फिर वही खाना पीना बनाना पड़ता है। और फिर 1 बजे के 12-1 बजे के पहले मैं कभी सोता नहीं। 12 बजे रिच हो जाते हो, तो
सातों दिन ऐसे चलता है या हमेशा ही चलता है? सातों दिन काम करते हो? हमेशा ही करता हूँ, संडे को आधा दिन, संडे को आधा दिन करते हो, 1 बजे तक, उसके बाद आके कपड़ा। तो आपको लगता नहीं कि ये भी कोई जिंदगी है? ऐसा नहीं लगता कि ये क्या एक मजदूर को जो है यही जिंदगी है कि सुबह उठे फैक्ट्री में चला जाए, रात को आए और फिर सो जाए और सुबह फिर फैक्ट्री में चला जाए? आपको लगता नहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं लगता? लगता है, मैं क्या करें सर? लगता है तो देखा आपने कि क्या हालत है ये। अभी तो इसके इनके ब्रदर को EWS के लिए किसी हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे, लेकिन कितने दुख की बात है कि वर्कर्स को ये भी नहीं पता है कि कई कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की भी कोई सुविधा होती है जो उनको मिलनी चाहिए, इस बारे में उनको कोई जानकारी भी नहीं है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है ये सब चीज़ों के लिए, कौन जिम्मेदार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़े दुख की बात है यार।